हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो भारत में आज़ादी के बाद की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको आज हम देखेंगे। तो अवर फर्स्ट चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एट दिस स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट नाइट। तो आजादी के बाद हमारे स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा को जो पहला अपना भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बात कही थी। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट देयर वर मेनी वॉइसेस इन अवर नेशनल मूवमेंट। तो वी आर फैमिलियर अबाउट द मूवमेंट रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटिंग। बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, फाइनली इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। हम ये अच्छे से जानते हैं। तो दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी, मतलब नेशन बिल्डिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ये कोई एक आसान काम नहीं था। इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947. Freedom came with the patience of the country. The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फ्रीडम हमें जो मिली थी वो हमारा एक पेशन का काम था। हमने बड़े शांति से पीसफुली स्ट्रगल किए, बहुत लंबा समय हमने स्लेवरी में गुजारा, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो और हमारा जो देश है फुल ऑफ वैरायटी, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। कई तरह के कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, रिलीजियंस एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजें थी। तो जितनी वैरायटी आजादी के पहले थी वो सब वैरायटी आफ्टर इंडिपेंडेंस एक चैलेंज की तरह इंडिया के सामने आई। तो ये चैलेंजेस को हम यदि देखें, if we see these challenges, the first is to shape the nation, एक नेशन को आकार देना कि हमारा देश किस तरह का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक इमेजिनेटिव लगता था कि देश को कैसे शेप दिया जाए, क्या आकार दिया जाए कि हमारा कंट्री जो है, जो कि फुल ऑफ वैरायटीज है, वो किस तरह से स्मूथली डेवलप करे, यहाँ के सभी लोगों को उनके साथ न्याय हो। ऐसी सोच के साथ जब हम बढ़ते हैं तो चैलेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज है टू सेव द नेशन। दैट वॉज यूनाइटेड येट accommodative of the diversity in our society, India was a land of continental size and diversity. हमें कहा जाता है हम भारतीय उपमहाद्वीप की संख्या दी जाती है हमारे देश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो रिलीजियन है, जो धर्म है, जो संप्रदाय है, उनमें वैरायटी है। इसके बाद यहाँ का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो भी फुल ऑफ वैरायटी है। कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और हमारे नागरिकों का जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल भी बहुत अलग है। कुछ एक किलोमीटर पर खान पान, रहन सहन, भाषा,
भौगोलिक परिस्थितियां सब कुछ बदल जाती है। तो ऐसे देश को शेप देना इतना आसान काम नहीं था। तो फर्स्ट चैलेंज तो हमारे सामने शेप का नेशन ही था। Its people spoke different languages and followed different cultures and religions. At that time, it was widely debated that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. लोगों की ये सोच थी कि इतनी विविधताओं से भरा देश कैसे एक साथ रह सकता है? The partition of the country appeared to prove everyone's worst fears. There were serious questions about the future of India. सबसे फर्स्ट तो पार्टीशन था। जब पार्टीशन हुआ तो ऐसा संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय जो कि ऐसे इलाकों में रहता था जो मुस्लिम बहुल इलाका था, इसे पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हुई। पाकिस्तान से आने वाले रिफ्यूजीज जो शरणार्थी थे उनको एडजस्ट करना, इट वॉज अ बिग चैलेंज ऑफ अवर इंटेलेक्चुअल्स। हमारे जो विद्वान थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल बॉडी थी पूरी, वो सब उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री? वुड इट डू सो बाय एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सभी पक्षों को संतुष्ट कर पाना बहुत कठिन काम था। एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चंस, हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। अब इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी, पूरे इंडियन स्टेट की जो टेरिटरीज थी उनको कैसे इंटीग्रेट करना, उनको एक करना, उनको एक सूत्र में पिरोना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए यदि हम देखते हैं तो रिफ्यूजीज प्रॉब्लम्स तो चल रही थी, कुछ रियासतें थी। जब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन हुआ तो थस इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट What was still then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful, but also very difficult to decide and to implement. अब इसका implementation एक challenge था, but also very difficult to decide and implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. This basically means that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan, the rest was to stay with India. तो वही जो पहले बताया हमने कि ऐसे इलाके ना मुस्लिम बहुल हैं उनको लेकर पाकिस्तान बना दिया गया, और जो रेस्ट ऑफ पीपल थे वो इंडिया में इंक्लूड कर दिए। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। कई तरह की डिफिकल्टीज आई, आइडिया तो सिंपल था कि मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, रिलीजियस मेजोरिटी के अकॉर्डिंग देश का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन डिफिकल्टी ये थी कि जब हम रिलीजियन मेजोरिटी को अप्रोच करते हैं तब ऐसी रिलीजन से रिलेटेड या मुस्लिम बहुल इलाके जो रेस्ट ऑफ इंडिया में थे, मतलब बचे हुए भारत में, वहाँ भी नेचुरली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होना पक्का था। तो ये कठिन काम था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल comprise two territories, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. First, secondly, not all Muslims majority areas
wanted to be in Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of the northwestern frontier provinces and known as Frontier Gandhi, was strictly opposed to the two nation theory. उन्होंने भी सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं अब्दुल गफ्फार खान को, उन्होंने इसका विरोध किया। बट नेशन को जब शेप देना था तो ये बात अलग हो गई कि जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र चला गया वो मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहां से जो हिंदू आए, जो वायलेंस वहां पर हुआ उसके बाद, तो वो एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स थी। तो रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। इसके बाद हमारे देश में जो प्रोविंसेस थी, जो रियासतें थी, उनको कानूनी रूप से इंडिया में विलय करना, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे, उस समय के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए। कुछ रियासतें, ज़्यादातर रियासतें, मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस वॉलेंटरी अपनी इच्छा से भारत में मिल गई, लेकिन कुछ रियासतों की दो टीम, उन रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा पसीना बहाया। तो फर्स्ट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वाज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरीज। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट्स आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो हम जब देखते हैं कि जो हैदराबाद रियासत का कुछ एक भाग है जो वर्तमान महाराष्ट्र का है और कर्नाटक का है और आंध्र प्रदेश का, इट इज रूलर कैरीड द टाइटल निजाम and he was one of the world's richest men. The Nizam wanted an independent state of Hyderabad. He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. तो वहाँ के जो निजाम थे वो सबसे देश के एक बहुत बड़े अमीर व्यक्तियों में इन्हें गिना जाता था। वो स्वतंत्र रियासत चाहते थे। तो नवंबर 1947 से उनसे नेगोशिएशन शुरू हुआ इंडियन गवर्नमेंट का। तो इन द मेंटेनेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम रूल गैदर्ड फोर्स। लेकिन हैदराबाद के जो लोग थे वो कभी भी रियासत नहीं चाहते थे कि ये स्वतंत्र रियासत हो। तो उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत प्रयास किए और फिर फाइनली उस रियासत को काफी प्रयासों के बाद वाज नॉट इंडियन आर्मी की भी जरूरत पड़ी, लेकिन फाइनली द निजाम सरेंडर एंड दिस लेड टू हैदराबाद एसोसिएशन टू इंडिया और फाइनली हैदराबाद जो है भारत में विलय हो गया। नेक्स्ट इज मणिपुर। ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा मणिपुर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडिया गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन। मणिपुर की जो आंतरिक एक्टिविटीज हैं या जो मणिपुर के लोगों का जो स्पेशल रहन सहन, उनकी लैंग्वेज या ज्योग्राफिकल जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उनकी शर्तों पर मणिपुर के जो महाराज थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने कुछ स्वीकृति दे दी। लेकिन इन जून 1948 जो स्टेट था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया। दस मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन दिस
ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग. इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विथ इंडिया. तो जब मर्जर जो एक्ट आया उसमें मणिपुर के साथ कुछ डिफिकल्टीज हुई. अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसेड इन परस्यूइंग द महाराजा टू साइन अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949. तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने मर्जर एक्ट के अकॉर्डिंग मणिपुर को भारत में मिलाने का सफल प्रयास आखिरकार कर लिया. तो मणिपुर स्टेट भी थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद भारत में मिला दिया. इस तरह से ये जो प्रोविंसेस हैं वो भारत में मिला दी गई. फिर आता है जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी वो डिफरेंट थी, वो अलग थी, क्योंकि ये एक पाकिस्तान से जिसकी सीमाएं छूती हैं, तो यहाँ पर समस्या कुछ और थी. उस समय कश्मीर रियासत के जो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, उनसे बात चल रही थी उनकी प्रोविंसी को इंडियन स्टेट में डिसॉल्व करने के लिए. अब और थी किसी समय पाकिस्तान से संबंधित जो कवाली थे उन्होंने अटैक किया. महाराजा रणजीत सिंह असहाय थे, उन्होंने इंडियन आर्मी की मदद ली और इस तरह से वहां कवाली को अटैक को क्या किया, उन्होंने सफल नहीं होने दिया. फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इंडियन स्टेट में मिलने का एक रिटर्न फॉर्मेट पर सिग्नेचर किए और इस तरह से कश्मीर भी भारत में विलय हो गया. लेकिन इसके साथ दो समस्याएं आ गई. वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसके अकॉर्डिंग कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया और वहां पर कुछ ऐसी बंदिशें लगा दी गई जो शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया से वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, शेष भारत से कुछ अलग थी. तो इस तरह से जो शेप ऑफ द नेशन हमारा दिखाई देता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को हम देखा. सेकंड पॉइंट इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. हमारा देश जो है डेमोक्रेट है, गणतंत्र है, प्रजातंत्र है. यहाँ पर तो सबके लिए एक जैसा कानून इसकी आत्मा है. सबके लिए मीन्स लोग, यहाँ के लोग, भारत के लोग जो है हमारे गणतंत्र की आत्मा है. तो डेमोक्रेटली और या डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी जो कैबिनेट लेवल की जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए और इस तरह से एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया और फाइनली डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई और जो इलेक्शंस हुए स्टेट्स के, सेंट्रल के, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज भी वो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ फलती फूलती नजर आ रही है. तो थर्ड पॉइंट इज द टू इंश्योर द डेवलपमेंट. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात थी वो थी इंश्योर द डेवलपमेंट, यानी यहाँ के लोगों के विकास को इंश्योर किया जाए कि उनका विकास होगा. इतनी सारी डिफरेंसेस, इतनी सारी स्ट्रगल हैडस के बाद बात आपकी डेवलपमेंट की. तो डेवलपमेंट एक ऐसी चलने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ आगे बढ़ती है.
तो यदि आज भी देखा जाए तो हमारा कंट्री जो है डेवलपिंग है, तो बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैलेंजेस थे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसको आज हमने पूरे चैप्टर में देखा। ओके, गुड डे, नमस्कार। और मैडम कुछ बोल दिया, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे शेयर वगैरह, मतलब आपने भी कुछ खरीदने का नहीं चल रहा है। हाँ तो ये थोड़ा बहुत इतना तो चलेगा, वो नुकसान नहीं है, अच्छा उसको मत छेड़ो जो घाटे में चल रहा है, जो घाटे में चल रहा है उसको ना छेड़ते हुए जो फायदे में चल रहे हैं उनके साथ खेल आगे बढ़ते रहे।